और अगर हम बात करें साइफर इस बार ए पे है एंड रॉ ऊपर फोकस ग्रुप करते जा रहे थे रॉसी शट्स डाउन डेडली तो नहीं किया गया इट वाज जस्ट फॉर टाइम बट नाउ एसके रॉसी योर अ बैंक का दिखाएंगे कि ऐसे होता है ब्लेड स्टॉक का यूज एंड ही स्प्रे ट्रांसफर लेट मी शो यू हाउ टू यूज इट आई वाज अगर बात करें साइफर इस बार ए पे है एंड रॉसी पीक्स एंड यार द कंट्रोलर इज आउट वन शॉट ही नीड्स एंड द फर्स्ट शॉट ही लैंड्स वो पिक्सल दिखाता बस उसमें फ्रैग निकाला पर पैराडॉक्स ही फाइंड्स वन और उसके पीछे पीछे ट्रेड लेने के लिए आ रहे थे खिलाड़ी पैरा सब कुछ पी बॉय वहां से खिलाड़ी बचे हैं और पिस्टल राउंड का जो स्लो डिफॉल्ट रन करना चाहती थी मेडल वो डिंक पड़ा है उस पे चिंक द आर्मर रेयर बट पी के ऊपर फोकस ग्रुप करते जा रहे थे रॉसी शट्स डाउन डेडली एंड वंस अगेन ही ओवरपीक्स एंड स्टिल मैनेज टू गेट अनदर स्पॉट्स ये तो गलत है भाई ऐसे थोड़ी ना मार सकते हैं आप अनदर थ्री के फॉर एस करासी सिंगर देयर शायद एक सिंगर होती अभी के लिए द परफेक्ट फ्लैश बट एक्स काली अभी बिग बॉक्स के ऊपर तैयार जरूर है आई थिंक सो पैराडॉक्स को पता नहीं है इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर गिव हिम द कवर लेकिन ये डाइसेस के ऊपर नैनोसॉम परेशान कर रहे हैं और फ्रैग्स भी दाएं बाएं बट ऑफ नाइन स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे थर्ड फॉर टू इज नेम ऑफ नाइन और फ्रैग मिलता तो शायद इंटरेस्टिंग बना सकते थे राउंड को बट देयर इज नो वन लेकिन जब आप एंट्री पॉइंट से आने की कोशिश करेंगे तब आपके ऊपर स्पैम हो सकता है ये उल्टा नहीं हो गया यहां पर स्पॉटर्स एनिमी किल ओ एक और फ्रैग अब आउटलॉक है इसके रॉसी को ज्यादा है नहीं उनके पास करने के लिए टाइमिंग इज एवरीथिंग डेडली फाइंड इज थर्ड कैन वी सी एन इज एना डेडली विद द 4k And Medel before with a perfect trade. Chala second on the clock and Kibo. Perfect spam catch the things. Then but kills. Time yahan pe khelna zaruri aur uske saath saath frags bhi nikalne pe kamyab. Now in a 1v2. Respect Swanny. Just giving the perfect angle but skills. He still finds one and another frag and skills with the 4k. Plays a huge role aur timing shayad is samay. Boss 9 ke paksh mein jayegi aur saath saath Vibhor ka frag. 9. Is round ka pura rukh badal sakta hai ye player. 1 HP. Excali. Yellow bhai he is done. Oh, सुप्रीमेसी ये खिलाड़ी आज जीतने का नाम ही नहीं ले रहा ही विल गेट द 4k एज वेल और वो क्लॉक इनके बिल्कुल विपरीत भागती हुई सुल्तान विद द फ्रैग रेवेनेंट विद द थ्रिफ्टी और मेडल का मैप पिक रेवेनेंट जीत के निकालते हुए लगी तो आप काम खत्म बट डिस्टेंस वेरी बाय द वे एंड वो चिप आउट तो नहीं किया गया इट वाज जस्ट फॉर टाइम बट नाउ एसके रॉसी पी एंड अ परफेक्ट 1-2 यार रॉसी मिस बोथ द शॉट स्विच टू द शेरिफ इन अ क्वाड्रा क्या नहीं थानिया होनी नहीं चाहिए आ सकता है चौथा और पांचवा मिस हो गई बुलेट बट ये चलिए शो स्टॉपर आएगा जरूर बट इससे पहले एंट्री होती है एग्जिट करवा दिया सुल्तान ने पैराडॉक्स विद वन सुल्तान विद थर्ड एंड स्किल विद द फाइनल वन अ फ्लॉलेस डिफीट फ्रॉम द साइड ऑफ रेवेनेंट इससे पहले इस गेम की दास्तां को आगे बढ़ाया जाता 6 पे ही मेडल को समाप्त कर दिया पैर और आप बॉक्सिंग हो चुके हैं रेक्निक पूरी तरीके से यूहल के इस इलाके में और एक एक लाला देखिए वो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हमें लगा नहीं था कि इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा बट हुआ है ट्रिनिटी की बात करें तो 4k निकालेंगे रेकनिंग को और एचपी बार देखिए दो प्लेस बहुत ज्यादा लो डॉग सर डेड हॉल में मैक्स डेड अच्छे शॉट यहां पर ट्रिनिटी के द्वारा और 4k फॉर द गाय क्या जगह रियो को भी खत्म किया गया और अब एक लौटा खिलाड़ी टाइम बाय करना और वो किया गया रैंडम शॉट कनेक्शन बनाएगा और रैंडम भी इतना कमाल का होगा रोलिंग थंडर का कॉम्बिनेशन मारा अपने मार्केट के अंदर बट ऑफ नो वैल्यू फाइनली में भी करेगा और डिटेंशन मिला यहाँ पर एड्रियन किंग के ऊपर ऑल्दो वेंका वो क्रॉस होल्ड करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा क्वाड्रा फॉर द गाय ऑल्टरनेट रियलिटी आज दोबारा से ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा लेकिन फिर यहाँ पर अगर आप सेट प्ले में फंस जाओगे फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता पैरानोया 2 लेट क्योंकि कॉटेज अपना अल्टीमेट का इस्तेमाल किया था उतनी देर में तो एड्रियन किंग ने won't be of much value lekin ye markers already preemptively hi de diye kya revive kariye do aapko bhi pareshan kiya jayega counter detention aur badla to pura liya jayega yahan pe mujhe lag raha hai ji nahi kohli iske liye ja sakte the lekin Adrian King ne wo chura liya aur game knife ka matlab knife se le sakte the but velocity doesn't believe in that oh pair ki halka sa hyper fiction perfect shot land aur sayo
अब अगले राउंड में स्पॉन होंगे अनलेस रेजरेक्शन का इस्तेमाल हो। अब किस पे करेंगे? पेंका सीधा डैश किया, क्रॉस है दोबारा से तोड़ा यहाँ पर हाइपर फिक्शन का, लेकिन साइड के अंदर अभी भी खिलाड़ी मौजूद है। होक्स पहले के साथ डील कर लिया वेंका ने, दूसरा वेंका आखिरी खिलाड़ी क्लासिक इन हैंड हाइपर फिक्शन एक की तलाश में, वो मिलेगा नहीं लेकिन समय को रन आउट करवा दिया। डज नॉट कनेक्ट द शॉट फर्स्ट, लेकिन जॉश ने ट्रेड निकाल दिया है। 1-on-2 नाउ एड्रियन किंग, वो वेपन अब सब हाथ में वो राइफल बनी है और अब जॉश स्टेक करना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि हाइड कर रहे हैं बट वो पिक्सेल अवेलेबल। देखते हैं कि ये कितना ज्यादा काम करता है क्योंकि स्ट्रेटजी तो फिर वही है साइड की है। हाइपरफिक्शन स्टिल मैनेजेस टू फाइंड वन समहाउ, इस खिलाड़ी ने इंप्रेस तो जरूर किया है। जॉश के लिए वो कट आउट है, एक गोली मारनी है दोनों प्लेयर्स को, पहला शॉट कनेक्ट हो चुका है और जॉश ब्लफ को कॉल कर रहे हैं। वेरी वेल प्लेड बाय जॉश, गुड शॉट एज वेल, एन अल्टरनेट रियलिटी। कोई खिलाड़ी अभी भी फ्लैंक के ऊपर होगा, बट दैट्स नॉट द केस। एड्रियन किंग एक और पिक अपने नाम, मास्टर आखिरी खिलाड़ी, और अब यहाँ पर फ्लैग निकालने पड़ेंगे। कोहली स्पॉटेड, लेकिन फ्लैग निकाल दिया यहाँ पर डिफ्यूजर का मास्टर ने। इज द टाइम, नो नहीं बचा। वही है, मुझे एक बार दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा लॉब से कि क्या होगा यहाँ पर, क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ने तो खेल के राउंड जीता है। पिक ऑफ हो जो कि मुश्किल है, हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल इसके पीछे, वेंका फाइंड द फर्स्ट ओपनर, प्लांट जरूर हो गया लेकिन रिसीट करते हुए जॉश एस भागने की कोशिश में बच जाएंगे, बट एड्रियन किंग का सपोर्ट एनएक 3K के साथ कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो चुका है। यहाँ पे फेक टैप करते हुए उन्हें वो दिख रहा है कि डिफ्यूज नहीं हो रहा था, फाइनली ही कैन स्पॉट दैट। विपोर रैंडम शॉट्स लेने पड़ेंगे विपोर के ऊपर, ही इज मिसिंग दोस एंड नो वे विपोर वाज टेकिंग, स्विच टू अ क्लासिक एंड एड्रियन किंग सेव्स द डे। गुड एनफ बट वेंका मैनेज टू गेट वन, उसे भी पिक आना ये बेहतर जवाब है। आई थिंक अगले ही राउंड में आप इस तरीके से शुरुआत कर रहे होंगे, अभी भी किसी के भी खेमे में ये राउंड में देख पा रहा हूँ। बात करें एंट्री दिला देंगे टीम को, प्लस इनका प्ले बिगाड़ और फ्लैश होने वाले अभी है, बट नो बिफोर गोइंग फ्लैश ही मैनेज टू शट डाउन एडर, थोड़ा सा यहां पर डैमेज लेते हुए वेंका नीड्स टू बी केयरफुल, ही पिंक्स एंड ही टेक्स डेडली पिंक। हालांकि अगर आप देखें तो वो वाइपर पेट्स ही एक उम्मीद में बोलूंगा मेडल स्पोर्ट्स के लिए कुछ अलग करके जा रही थी, एग्जैक्टली वैसे ही हुई है। ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल लेकिन कनेक्ट हो नहीं पाएंगे और वेंका दिखाएंगे कि ऐसे होता है ब्लेड स्टॉर्म का यूज एंड ही स्प्रे ट्रांसफर सप्लाई में केस के साथ खात्मा किया इस सीरीज का, इस मैप का और मेडल की उम्मीदों का। कॉन्फिडेंस आया एंड देन एक बार येलो पहुंचे था फिर नाइस भारत तो जीजी है। बिल्कुल उस टाइम पे तो टेक्निकली डेडली 10 भी अपने नाइस पे थे, आपने पहले उनको शट डाउन किया एंड देन यू वर लाइक लेट मी शो यू हाउ टू यूज द नाइस। आई वाज या जेड डेफ, लेट्स बी ऑनेस्ट दैट वाज द केस, बट मुझे अब ये एंड हेलेफ हैज टू बी केयरफुल, एंगल होल्ड करके तो बैठे हुए हैं, फाइट को फोर्स किया और हेडशॉट मार दिया यहां पर कैरामेल ने और अब ये मुश्किल है खड़ी होते हुए फॉर टीम ट्रू रिपर्स। बी साइड एंड मिड की तरफ में दो प्लस है बट मार्केट को कंट्रोल गिव अप कर दिया, बट डेथ मेकर पे तो बुल्ट ओवर इन दिस कुड हैव बीन गुड बट टेक्नो विथ ऑल ऑफ हिज शॉट्स। 25 सेकेंड क्लॉक सबसे बड़ी दुश्मन है इस समय रखने के लिए, लेकिन अभी भी वो स्प्लिट करना चाह रहे हैं। हेवन वाले प्लेयर को डील करा जाएगा, डेथ मेकर बुल्ट पार्ट ही सर्वाइव नॉट फॉर लॉन्ग दो क्योंकि उस शॉक डार्ट इना तो चाह रहे हैं बट हेलेफ की पोजीशन कहीं ना कहीं भाप ली गई कैरामेल के द्वारा, एक क्रॉस फायर काफी ऑल ही नीड्स टू डू इज जस्ट बाय सम टाइम स्पाइक पर टैप किया डॉक्टर बाहर है एंड लेफ्ट विद अ 3K स्पेशल अ लिटिल बिट बेटर और कैरामेल भी वो फ्रैग निकालेंगे बट वही बात है ये टेक्नो शट्स हिम डाउन इन द मिड, तो मतलब इकलौते आखिरी खिलाड़ी डिस्टर्ब की पड़ना चाहेंगे शिपी वाई के पास में, एक आईडिया लग चुका है शायद यहां पे कि मेन के अंदर रहेंगे के लिए और ये जो प्लांट है ये भी कुछ ऐसा है बहुत अच्छा। फूट ऑक्सर वेरी लो एलिमिनेटेड क्लच, ओ माय गॉड डिसरप्ट हैज इट और अब LBY स्पॉट जरूर किया, डैमेज थोड़ा बहुत दिया गया LBY के ऊपर, आरयू ने यहां पर आरवी के को टेक डाउन कर दिया और डिसरप्ट ने भी ठीक ठाक डैमेज कर ही दिया है। 1v1 आज समय इनके अगेंस्ट, सब कुछ टाइमिंग के ऊपर आ जाता है और बेहतर टाइमिंग मिली आरयू को, एक और राउंड छीन लिया है। जी हाँ, but Doxer is going to answer back, finds one, but time is ticking, finds a second, finds a third as well, it's ace, ace करना पड़ेगा, but time नहीं है, diffuse नहीं कर पाएंगे, finds a fourth one as well.
बट ऑपरेटर एक खौफ तो पैदा किया है एंड एमांस वापस से काफी अच्छे तरीके से यहां पे होल्ड की हुई है टू रिपर्स ने ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्टर्ब फाइंड्स टू मोर अ थ्री अ फोर की कमिंग इन एंड एस कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ डिस्टर्ब ऑफ द राउंड और ट्रू रिपर्स इस फाइनल राउंड के साथ क्वालिफिकेशन को अपनी ही नहीं लेकिन ओजी की भी सिक्योर करके रास्ता बनाएंगे यहां पर लैन तक का Time slows down when it can get no worse. I can feel